This is Gitu Mirpuri from Divine to Chilling Academy. Divine to Chilling Academy में tarot, astrology, numerology, reiki के classes conduct होते हैं. आप ये classes online भी सीख सकते हैं. ये video बन रहा है number आज के लिए. आठ number के जो students हैं, उनके साथ आपको बहुत ही emotionally behave करना है. ये बहुत ही sensitive होते हैं number आठ के लोग और highly misunderstood होते हैं. तो उनके कोई भी बात पर आपको कन्फ्रंट नहीं करना है और उनके कोई भी बात पर आपको गुस्सा नहीं दिखाना है. यहाँ पर कार्ड आया है कि इमोशनली यू कैन हैंडल योर चाइल्ड और उसे अच्छी पढ़ाई करवा सकते हैं और उसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ सकते हैं और पास्ट जो भी हुआ उसे इग्नोर करें, एक फ्रेश स्टार्ट करें फ्रॉम 1 जनवरी 2020. जनवरी मंथ में करियर के लिए नेगेटिव कार्ड आया है तो नंबर आठ के जो लोग हैं कोई भी नया डिसीजन नहीं ले. अगर आपको जॉब नहीं है तो जनवरी में जॉब मिलने के चांसेस लेस हैं. कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी या मे बी व्हीकल खराब हो जाएगी या पैसे नहीं रहेंगे. कुछ ऐसा होगा जहां पर जिसकी वजह से आपकी इंटरव्यूज अटेंड नहीं कर पाएंगे और जॉब नहीं मिलेगी. बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए भी नेगेटिव कार्ड है. तो जनवरी मंथ आपकी न्यू मनी करियर के ऊपर ध्यान न देकर और चीजों पर ध्यान दें. आप कुछ लर्निंग के लिए चले जाएं जिससे आपके बिजनेस को आगे जाके हेल्प मिलने वाली है. थर्ड कार्ड आया है फाइनेंस के लिए. जो पिछले पैसे हैं वो जरूर आएंगे आपके जनवरी मंथ में. नेक्स्ट आपके रिलेशनशिप के लिए कार्ड आया है कि आप रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो. आप ऐसे दिखा रहे हो कि आप बोर हो गए हो. अगर आप रिलेशनशिप में हो तो आपकी जो एनर्जी जा रही है पार्टनर की तरफ वो नेगेटिव जा रही है, विच इज टोटली रॉन्ग. अगर आप मैरिड हैं तो भी आप अपने रिलेशनशिप को बिल्कुल टाइम नहीं दे रहे हो. तो यहाँ पर कार्ड आया है कि अगर आपने जनवरी मंथ में आप अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दिया या जस्टिस नहीं किया आपने आपके पार्टनर के साथ, तो हो सकता है कि आपका ब्रेकअप हो जाए. रिलेशनशिप भी एक पौधे के जैसे है. जैसे हम भूल जाते हैं पौधे को पानी देना तो क्या होता है, वो पौधा सूख जाता है. वैसे ही आप भूल गए हैं अपने रिलेशनशिप, अपने उस पौधे को पानी देना. आप अगर उसे वैल्यू करते हैं तो आप उसे टाइम दें और जस्टिस करें आपके रिलेशनशिप के साथ. आपके पार्टनर क्या चाहते हैं उनसे बैठकर सुने और उस पर थोड़ा सा वर्क करें, उसको थोड़ा सा टाइम दें. नेक्स्ट आपके हेल्थ के लिए आपको टोटली आपका लाइफस्टाइल चेंज करना है. नंबर एट के जो लोग होते हैं बहुत ही लेजी होते हैं और धीरे धीरे काम करना और चीजों को लास्ट मोमेंट के लिए रखना ही नंबर आठ की आदत होती है. तो आपको वो आदतें बदलनी है. अगर अभी आपको कुछ दिख रहा है कि हेल्थ इश्यूज है तो आप अभी से ही उसका ट्रीटमेंट चालू करें ताकि टाइम पे बीमारी ठीक हो जाए. आपके आध्यात्मिक के लिए कार्ड आया है कि आप जिस तरह से आपकी आध्यात्मिक उन्नति को ले रहे हैं, जिस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं वो परफेक्टली राइट है. आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस लेकर काम नहीं करना है. जो भी आप अभी लर्न कर रहे हैं, जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी आध्यात्मिक में, उसको कंटिन्यू रखना है और उसी से आपका ग्रोथ होने वाला है. तो हाइएस्ट पॉजिटिव कार्ड आपका हेल्थ के लिए आया है. अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हैं, सुबह जल्दी उठना वो नंबर आठ वालों के लिए लकी होता है. सूरज का दर्शन करना, सूरज को पानी चढ़ाना, इससे आपके शनि का इफेक्ट आपकी लाइफ में कम होता है. नंबर आठ के जो लोग होते हैं ये बेसिकली ओल्ड सोल्स होते हैं जो अपने ही परिवार में फिर से जन्म लेकर आते हैं. और अगर शनि भगवान अगर आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं, आपकी लाइफ को स्मूथ नहीं रख रहे हैं, मतलब कहाँ ना कहाँ आपको वो परेशान कर रहे हैं, तो उससे बचने का एक ही उपाय है कि सूरज की आराधना करें. और सेकंड पॉजिटिव कार्ड आपके फाइनेंस के लिए आया है. अगर नया पैसा नहीं आ रहा है तो जो ओल्ड आपके पास मे बी ओल्ड स्टॉक्स है उसे बेचें या ओल्ड आपके जो डेब्ट्स है लोगों के पास, वो आप लोगों के पास आपके पैसे हैं वो आप कलेक्ट करवाएं. उस पे अगर आप कंसंट्रेट करते हैं तो आपका फाइनेंशियल पोजीशन जनवरी के लिए अच्छा रहेगा. थैंक यू.